एवरीबॉडी, हियर इज योर सोनू भैया। और आज आपको लेकर आया हूँ एक गांव में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सर्दी के मौसम में एक गांव किस तरीके का दिखता है एक्चुअल दिखाने वाला हूँ। मतलब मज़ा आ जाएगा यार, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, मतलब इमेजिनेशन से भी परे दिखता है। और जैसे हमें दिखता है ना, जैसे आप कार्टून्स देखते हैं डिज्नी टाइप के, उसमें हरियाली दिखती है बहुत सुंदर सुंदर, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। हालांकि हो सकता है कि मेरे कैमरे में कुछ ज़्यादा खास दिखाई दे ना सकते, पर मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ना। तो लेट मी शो यू, एक खेत दिखाता हूँ। यहाँ पर शायद कुछ उगाया जा रहा है ना, पत्तियों से तो पता नहीं चल रहा है क्या है ये, पर कुछ तो उग रहा है। खैर, और यहाँ पर दिखाता हूँ उसकी क्या कहते हैं इसको, पौधे लगे हुए हैं अभी। ये देखिए, ये पूरा खेत है। आगे तो भैया ना, अभी आगे ना जाके ना कुछ अच्छी जगह दिखाऊंगा, जैसे कोई बगीचा या कोई खूबसूरत सी जगह जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, बस गांव की हर जगह ही खूबसूरत है, यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जैसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक हम बचपन में हमेशा एक कार्टून्स या कार्टून कह लो या फोटोज़ देखते हैं, हम अपने चित्र देखते हैं कि एक खूबसूरत सा पेड़ हो, उसके नीचे आराम से बैठा जाए, है ना। बिल्कुल वैसे कुछ उसी तरीके का सीन है यहाँ पर। देखिए, एकदम शांत जगह है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर होते तो शायद इस चीज़ को महसूस कर सकते। एक खूबसूरत सा पेड़ खेत के कोने में, खूबसूरत सा पेड़, ठीक है, आराम से नीचे कुछ बिछा लिया जाए और आराम से सो जाओ, इतना खूबसूरत है ये। ऑलराइट, ये शायद जितने भी बच्चे जो गांव से हैं शायद इस चीज़ को रिलेट ना कर पाए कि हम किस तरीके का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है हम लोग शहर में रहते हैं और वो भी काफ़ी अच्छी सिटी में रहते हैं हम लोग, तो हम मिस करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो हम लोगों के लिए तो मतलब जन्नत से कम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली मेरे लिए, है ना। सो आगे चल रहा हूँ, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सरसों की फसल, ठीक है, सरसों होता है ना, तो देखिए जिससे सरसों का तेल बनता है, अभी इससे सीड्स बनेंगे इसके, है ना, जिसको लाही कहते हैं, ब्लैक कलर की होती है, गोल गोल सी छोटी छोटी सी, ठीक है, और फिर उसी को पीस के उसका तेल निकाला जाता है जिससे बनता है सरसों का तेल। ठीक है, तो ये यू कैन सी है कितना खूबसूरत है, और ये पेड़ मतलब ये जो फसल है मुझसे भी ज़्यादा हाइट में है, बहुत ज़्यादा। देखो बहुत बड़ी जगह है ये, चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। लुक एट दिस, कैसा लग रहा है ना, अमेजिंग लग रहा है ना, एकदम लगभग एकदम जैसे हम कार्टून में देखते हैं या पेंटिंग बनाते हैं या सीनरी बनाते हैं, मतलब एक्चुअल में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। देख रहा कितना 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 सुंदर लग रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, है ना। लुक एट दिस, पूरा सीन देख रहे हो, चारों तरफ देखो, ये देखो जैसे हम पेंटिंग नहीं बनाते हैं बचपन में, पेंटिंग बनाते हैं इधर रास्ता, मतलब बीच में एक रास्ता आ रहा है और इधर पेड़, जैसा इमेजिनेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही है ना, घास पेड़ पौधे बिल्कुल वैसे ही है ना। लुक एट दैट, देखिए ये देखिए, है ना अमेजिंग। वो देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना, जब किसी खेत के बीच में या खेत के किनारे पे एक पेड़ तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई थक जाए खेती करते करते तो उस खूबसूरत से उस अच्छे से पेड़ के नीचे आराम कर सके, और अक्सर ऐसा होता भी है ना। तो ये देखिए पेड़ तो लगा रखे हैं, और यार पेड़ तो लगाने ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लगाने ही चाहिए यार, लगता क्या है। चलो आगे चलते हैं, एक तो यार बहुत बड़ी बड़ी जगह है, खैर यहाँ पर छाए हैं बहुत ज़्यादा। ये किस चीज़ का पौधा है, तो ये पेड़ देखते हैं किस चीज़ का, पता नहीं यार किस चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, आगे अभी और दिखाऊंगा तो मैं, अगर मैं बगीचे में जाता हूँ ना तो बगीचे का सीन दिखाऊंगा आप लोगों को।